नमस्कार दोस्तों, ये 35 साल की एक गृहिणी का पाम है। 35 प्लस की उम्र है इन्होंने जो लिखा है। अब इस पाम में मैंने इनसे बहुत मेहनत करवाई फोटोग्राफ्स के लिए। अब महिला है, इनको मैंने कहा आईफोन ढूंढिए आप, तो हो सकता है महिला होने के कारण और गृहिणी होने के कारण ये ढूंढ नहीं पाए, पर फिर भी अगर कोई पैसा खर्च करता है तो उस व्यक्ति की सारी जो जो पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव साइन है दिखती है उसके बारे में जिक्र करना मेरा फर्ज बनता है। तो मैं पहले इस फोटोग्राफ में यानी इनके हाथ पर जो पॉजिटिव साइन है उसके बारे में जिक्र करूंगा, क्योंकि वो दूसरे फोटोग्राफ जो पूरा ओवरऑल पाम का फोटोग्राफ है उसमें ये चीज़ें नहीं दिख रही है। पहली चीज़, ये इनकी जीवन रेखा राहु रेखा है इनके हाथ में, उसका मैं टाइमिंग भी निकाल चुका हूँ, पर आप देखिए कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है, कंटिन्यू है, छोटी छोटी पर ये भी जीवन में रोल निभाती है। इतनी इतनी छोटी छोटी लाइनें भी व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा प्रोग्रेस देती है, कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है। और इन्होंने अभी 3-4 महीने पहले कोई शेयर मार्केट का काम शुरू किया है और इनको लॉस भी हुआ है, वो लॉस यहाँ पर दिख रहा है। ये 35 साल में एक लाइन ने काटा और एक दूसरी लाइन भी काट रही है, वो पूरे पाम के अंदर जब एनालिसिस करेंगे उसमें मैं विस्तार से बताऊंगा। पर ये जो लाइनें हैं ये कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइनें इनके हाथ पर चल रही है, ये मिस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैंने ये फोटोग्राफ जो क्लोजअप था वो दिखाया, पर ये लाइनें भी अब शेयर मार्केट का ये काम कर रहे हैं। जब राहु रेखा आएगी उस समय ये घाटा करेंगे और जिस समय ये प्रोग्रेस लाइनें होगी उस समय ये प्रॉफिट करेंगे। तो मेरी सलाह है, घाटा और नुकसान चलते रहेगा पर ओवरऑल आप प्लस में रहोगे, क्योंकि राहु रेखाओं के सामने प्रोग्रेस लाइनें ज़्यादा है। तो मेरी आपसे सलाह, आप काम छोड़िए नहीं, यह आपको काफ़ी प्रॉफिट देगा। हाँ, बीच बीच में घाटा भी आपको मैं साल बताऊंगा, उस सालों में घाटा भी आपको जाएगा, पर ये प्रोग्रेस लाइन है आपको प्रॉफिट भी देगी। तो पहली चीज, दूसरे वस्तु है एक फिश साइन इनके सन माउंट पे। मुझे भी ऐसा लगा एक समय पर कि ये कंप्लीट फिश साइन है, यहाँ से एक रेखा गई और इस तरह से गई, एक दूसरी रेखा यहाँ से शुरुआत हुई और ये गई, और यहाँ पर बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इस पार्ट में कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक दो सवाल इनसे पूछे मैंने, क्या आप अभी तक एक्स अमाउंट के मालिक बन चुके हो, यानी इतना धन आपके पास आ चुका है? तो इनका जवाब था ना। इनका कहना था मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब में और मैं गृहिणी हूँ और 3-4 महीने से मैंने शेयर मार्केट का काम किया है। बहुत बार क्या होता है, साइनें दिखती है पर जब तक संपूर्ण नहीं होती तो उसका फल नहीं मिलता। हाँ, भविष्य में ये अगर जॉइंट होकर इस तरह से बन जाती है तो ये 100% फिश साइन बन जाएगी और ये ह्यूज लेवल में प्रॉफिट इनको देगी, ह्यूज लेवल में, यानी ये काफ़ी रिच बन जाएंगे, पर ये वर्तमान समय में है नहीं, इसके लिए इसका फल नहीं मिल रहा। पर इस पर, इस साइन पर इनको नज़र रखनी पड़ेगी। जब भी ये डेवलप हो जाएगी तो 1000% इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, पर ये कब बनती है, कैसे बनती है, ईश्वर जाने। इनको अच्छे कार्य करते रहने चाहिए, ये कभी ना कभी अपना जादू दिखाएगी, क्योंकि मुश्किल से 20% कंप्लीट होनी रह गई है। ये दो चीज़ दिखानी थी, इसके लिए मैंने ये क्लोजअप चूज़ किया आपको। अब इनके ओवरऑल पाम की और चलते हैं। ये इनका ओवरऑल पाम, यहाँ पर एक सीधी रेखा बन रही है, धनुषाकार से भी ये जब सीधी रेखा बनती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, धनुषाकार व्यक्ति से भी ज़्यादा समझदार होता है। मैंने इनको इतना परेशान किया अच्छे क्लियर फोटो के लिए, पर ये परेशान नहीं हुए, ये मेहनत करते रहे।
तो ये ड्यू टू इस आकार के लिए। बहुत लोगों के साथ ऐसा मेरे साथ होता है, मैं जब तक कंप्लीट क्लियर फोटो नहीं आता, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कोई दिन बहुत बिजी जाता है, उस समय व्यक्ति सामने वाला 3-4 बार मेहनत करता है, फिर मेरे पास भी समय का अभाव होता है तो मैं छोड़ देता हूँ। पर 99% मैं कोशिश करता हूँ व्यक्ति का पाम का फोटो क्लियर ही आए। आप किसी भी चैनल पर आप देख लीजिए, आपको उनके पाम के फोटोग्राफ्स और इस चैनल पर पाम के फोटोग्राफ्स आपको ज़्यादा क्लियर दिखेंगे, क्योंकि उसके पीछे एनर्जी लगती है, लोगों को समझाना पड़ता है आप इस तरह से लीजिए, इस तरह से लीजिए। और जब तक क्लियर नहीं, हाँ कोई दिन ऐसा भी होता है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं या कोई ऐसा वर्क आ जाता है सामाजिक या पारिवारिक जिसके अंदर वो एनर्जी नहीं लगा पाते, पर कोशिश करता हूँ कि सामने वाले ने पैसा खर्च किया है उसका उसको पूरा रिजल्ट सामने आना चाहिए, मेरा मेरे मन की भावना है। और इन्होंने मेहनत की भी, पर इनकी भी लिमिटेशनें थी, फिर भी इन्होंने अपना कार्य किया, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ। अब ये पाम को देखें तो ये कंप्लीट रेक्टेंगल पाम है और साथ में चौड़ाई भी है और यहाँ पर एक धनुषाकार ये कोन भी बन रहा है। तो एक तो रेक्टेंगल पाम होता है तो व्यक्ति या तो बैठे बैठे कार्य करता है या बोलकर कार्य करता है, दूसरा जब चौड़ा पाम होता है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है, यानी दोनों लक्षण उनमें होते हैं। और जब यहाँ पर एक इस तरह का कव बनता है तो व्यक्ति ज़्यादातर संगीत का शौकीन होता है या कला क्षेत्र का शौकीन होता है। इनकी उंगलियाँ बहुत छोटी है तो बहुत स्पीड में निर्णय लेने वाले व्यक्तित्व होंगे और ऐसे लोगों के जीवन में, अब ये गृहिणी है पर देखा जाता है ऐसे लोगों के जीवन में हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। सूर्य की उंगली भी थोड़ी बड़ी है तो व्यक्ति में हिम्मती स्वभाव भी होता है और छोटी उंगली लगभग थोड़ी सी कम रह रही है फर्स्ट फैलेन तक पहुंचने में, तो हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ उसमें 15-20% का कहीं ना कहीं कमजोरी हो सकती है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सब चीज़ों में हो सकता है 15-20% की कमी रह सकती है, बाकी वो कमी ये फर्स्ट फैलेंज मुड़ गया है। जब मुड़ता है तो व्यक्ति पैसा कमाने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है, ये भी लक्षण होते हैं। अब इनके बुध पर्वत पर चले, बुध पर्वत पर इस खड़ी लाइनों के अंदर स्क्वायर बने हुए, खड़ी लाइन है तो व्यक्ति बोली बहुत अच्छी होती है, बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति कैसा भी वर्ण हो पर वो सुंदर होता है, कैसा भी वर्ण हो। मेरा सुंदरता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति गोरा ही होगा या फेयर ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो डार्क स्किन का भी होगा, कॉम्प्लेक्शन उसका डार्क भी होगा, तो भी वो दिखने में सुंदर होगा जब बुध पर्वत आपका अच्छा होता है, प्लस व्यापार के समझ प्लस विज्ञान की भी समझ व्यक्ति रखता है जिसका बुध पर्वत अच्छा होता है, बेसिक विज्ञान की समझ उनके पास होगी होगी और होगी, बोली उनकी अच्छी होती है, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। और ये स्क्वायर बन रहे हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर का फायदा ये मिलता है कि व्यक्ति अगर ये कार चला रहे और 4 लोगों ने सिग्नल तोड़ा तो 3 को तो चलन कटेगा और चौथे ये होंगे तो इनको बोला जाएगा आप नेक्स्ट टाइम गलती मत करो, आगे से ध्यान रखिए। 4 लोग जा रहे एक ही कार के अंदर और न करे नारायण और कोई एक्सीडेंट हो गया, 3ों को खरोच लगी या कुछ मार लगी, ये चौथे व्यक्ति होंगे, इनको कुछ भी नहीं होगा, और अगर खरोच भी लग गई तो हल्की सी ऐसी होगी कि हाथ से मिट जावे। ये रक्षात्मक काम होता है ये, जब यहाँ पर स्क्वायर होते हैं तो। अब सूर्य पर्वत पर देखे तो ये साइन बार बार मेरा ध्यान इस पर आकर्षित होता है, पर ये कंप्लीट नहीं है, पर ईश्वर करे ये कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर देखे तो यहाँ पर एक मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन ऑलरेडी बनी हुई है, तो जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टियां इनके जीवन में आने वाली है।
जब आपका शनि पर्वत यहां से थोड़ा सा भी उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठने में तकलीफ होती ही है, और बाकी का पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति एनर्जेटिक होता है पूरा दिन, केवल बेड से उठने तक की देरी होती है, उसके बाद एक्टिव रहता है। और यहां पर देखे इस पाम को तो अमुक रेखाएं सूर्य पर्वत की ओर भी देख रही है, तो हो ना हो भविष्य में कभी ना कभी या तो इनके संतान या कोई ऐसा रोल होगा जो इनको विदेश से भी धन प्राप्ति करवाने में सक्षम है। क्योंकि जब भी आपकी फेट लाइन अगर सूर्य पर्वत की ओर देखती है तो आपके जीवन में कभी ना कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। और ये जो रेखा जा रही है ये व्यक्ति को दो तीन तरफ से इशारा करती है, या तो ससुराल पैसे वाला मिलता है, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला बनता है, या पॉलिटिकल लाभ होता है व्यक्ति के जीवन में, या सरकारी लाभ होता है, और इनके जीवन में इनके पतिदेव सरकारी डिपार्टमेंट में तो उसका लाभ मिल ही रहा है, या खाने का शौकीन होता है, तो इनके जीवन में इस रेखा ने सरकारी लाभ दिला दिया है। और ये कंटिन्यू बुढ़ापे तक इनकम वाली रेखा है, तो बुढ़ापे तक इनके पास इनकम आती रहेगी। अब गुरु पर्वत शुक्र के मुकाबले काफी छोटा है, पर मैं कहूंगा ओवरऑल उभार है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख काफी अच्छा मिलता है। जब आपका गुरु पर्वत हर जगह से एक कंप्लीट उभार होता है तो पारिवारिक और सांसारिक सुख व्यक्ति को अच्छा खासा मिलता है, और इस पर एक बहुत बड़ा स्क्वायर बना हुआ है। ये व्यक्ति को दो तीन लाभ देता है, एक तो 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता आदमी, 36 साल पर अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है, दूसरा फायदा होता है बड़ा स्क्वायर होता है तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलता है, और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। और इस पर कंटिन्यू खड़ी लाइनें भी चल रही है, तो ये कंटिन्यू और प्रोग्रेस की ओर इशारा करती है, और ये लाइनें व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाते। अब चलते इनके अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल पर अच्छा होने के बावजूद यहाँ पर थोड़ी सी लाइनें चलती है, पर इतनी लाइनें मैं इनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि भारतीय समाज में जो स्त्रियाँ जिस तरह से घर को संभालती है तो इतनी चिंता रेखा एक कॉमन सी चीज़ है, तो इनको ज़्यादा मैं महत्व नहीं देता। हाँ, इनमें ज़्यादा बढ़ जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार बनता है, पर ऐसे कोई लक्षण इनके हाथ में दिख नहीं रहे, और अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है तो शारीरिक क्षमता इनमें अच्छी खासी रहेगी। भारी मंगल बहुत ही अच्छा है, इस तरह का मंगल वाला व्यक्ति साहसी होता है, बहुत साहस होता है इनमें, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और जैसे इनकी फेट लाइन बता रही है, और सेम इसी तरह का चंद्र पर्वत, मैं कई वीडियो में कह चुका हूं जिनका चंद्र पर्वत अगर अच्छा है तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपका विदेश से संबंध आएगा जरूर, चाहे आपकी जीवन रेखा से विदेश की रेखाएं न निकलती हो, फिर भी किसी न किसी रूप से आपका विदेश से संबंध आएगा, आपका या आपके संतानों के द्वारा ये रोल रहता ही है। और इनके जीवन में भी चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, ऐसे लोग नई नई चीज़ें करते हैं, चंद्र पर्वत जिसका अच्छा होता है। दूसरी खासियत होती है पानी बहुत अच्छा लगता है। एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपका चंद्र पर्वत अच्छा है और कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करो तो आप सीधे स्विमिंग पूल चले जाओ, केवल वहाँ बैठ लोगे तो भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप रिफ्रेश होकर बाहर आ जाओगे, जादू का काम करेगा आपके जीवन में। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, अगर आपको तैरना नहीं भी आता है तो केवल खाली स्विमिंग पूल के वहाँ जाकर बैठ जाओ, या किसी तालाब के किनारे पर बैठ जाओ, या नदी के किनारे पर जहाँ पानी हो, या ये सारी सुविधाएं नहीं है तो केवल घर में बाल्टी लेके नहाना शुरू कर दो, आप नहा भी लोगे तो भी आपका स्ट्रेस फुल निकल जाएगा। ये चंद्र पर्वत वालों के लिए मैं उपाय देता हूँ, जो स्ट्रेस अगर है जीवन में
किसी पल ऐसा रहता है कि कोई दिन एकदम स्ट्रेसफुल रहता है, आपको उस स्ट्रेस से बाहर निकलना है तो आप पानी से नहा लो, जादू का काम होगा आपके जीवन में, कंप्लीट स्ट्रेस निकल जाएगा। और नई नई चीज़ें करते, दूध से बनी चीज़ें इनको पसंद आती है, ट्रिमेंडस पसंद आती है। ज़रूरी नहीं कि 10 वस्तुएं अगर दूध की बनती है तो 10 की 10 वस्तुएं पसंद आए, पर एक दो वस्तुएं ऐसी रहती है जो ट्रिमेंडस पसंद आती है इनको। और इनके हाथ पर देखे तो मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है और एक बड़ा मनी ट्रायंगल भी है, पर वो थोड़ा सा ओपन है, तो इनकम के रास्ते तो इनके पास अच्छे खासे ओपन रहेंगे। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर काफ़ी अच्छा शुक्र पर्वत है। हाँ, अगर ये थोड़ा सा गुरु पर्वत को बैलेंस कर दे तो व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति बहुत ज़्यादा पैमाने पर होती है। मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा। बाकी शुक्र पर्वत अच्छा है, व्यक्ति कमाने में भी एक्सपर्ट होता है और खर्च करने में भी एक्सपर्ट होता है। अब इनकी हृदय रेखा, हृदय रेखा को देखें तो शनि पर्वत से ही शुरू होकर ये सीधी चल रही है। जब शनि पर्वत से शुरुआत होती है हृदय रेखा की, तो व्यक्ति तीन ही तरह के गुणधर्म होते हैं उस व्यक्ति में। एक, आंख खुलते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान होता है। दूसरा, व्यक्ति कामुक होता है। और तीसरी चीज, कभी कभी फिजिकल बनता है। ये तीन चीज ही व्यक्ति के जीवन में रहती है, चौथा कोई गुण नहीं होता। और हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, थोड़ी सी डार्क है तो हल्की फुल्की झंझट मारिया रहेगी, पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, आप जीवन अच्छी तरह से जी पाओगे, काफ़ी उत्तम हृदय रेखा है। हाँ, ये जो लाइन निकलती है ये थोड़ा सा गुस्सा आपको दिलाती है। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन की ओर। माइंड लाइन कंप्लीट जीवन रेखा के साथ मिलकर यहाँ तक चली और एक उसमें से शाखा निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये एक टाइप से डबल माइंड लाइन हो गई। यानी उम्र के लगभग इस पड़ाव पर, यानी उम्र के 42 के आसपास जीवन में एक ट्रिमेंडस बदलाव आएगा और ग्रोथ का पैमाना काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि व्यक्ति की जब डबल माइंड लाइन होती है तो व्यक्ति का ग्रोथ 3-4 फोल्ड में बढ़ जाता है, इतना बेनिफिट मिलता है। और कम्युनिकेशन के बेस पर, यानी कम्युनिकेशन के कारण व्यक्ति आगे बढ़ता है। और बहुत बार देखा गया है इस तरह के फोक वाली जो माइंड लाइन होती है तो व्यक्ति लिखने में, कम्युनिकेशन करने में एक्सपर्ट होता है। और थोड़ी सी माइंड लाइन मोटी है तो स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे जीवन में, आगे बढ़ने का जो स्ट्रेस होगा, पैसा कमाने का स्ट्रेस होगा, वो इनकी रेखा में छलक रहा है। और थोड़ी सी रेखा छोटी है तो एक सर्टन लेवल तक का दबाव सहन कर पाता आदमी, उसके बाद विस्फोटक बनता है, ये एक माइनस पॉइंट होता है। अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा यहाँ तक तो परिवार के साथ जुड़कर चल रही है, तो ये उम्र होगी लगभग इनके अंदाजित 25 साल तक या 24 साल तक, और उसके बाद ये जीवन रेखा अलग से चलकर ये पूरी घुमाव ले रही है। तो ये पारिवारिक सोच वाले इंसान रहते हैं, कहीं 2 दिन बाहर भी गए तो 5 बार फ़ोन करेंगे, और सिटी में भी अगर कहीं 2 घंटे के लिए भी बाहर गए तो घर में कम से कम 2 बार तो फ़ोन कर ही देंगे। यानी पारिवारिक सोच वाला इंसान रहता है, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से ये लोग संपर्क में रहते हैं, इस तरह की मानसिकता इनकी होती है। और इनकी राहु रेखा है अगर देखे तो एक 20 साल के आसपास दिख रही है, एक 22 साल के आसपास दिख रही है, एक 24 साल के आसपास दिख रही है, एक 29 के आसपास दिख रही है, एक 35 के आसपास दिख रही है, जो इनको आर्थिक रूप से अभी संकट में डाला है। एक 41, 42 और 45 और 46, ये इतनी राहु रेखा इनको जीवन में नुकसान देगी। मेरी इनसे सलाह है 41 से लेके
42 के आसपास आप शेयर मार्केट से दूर रहना, इवन 40 के आसपास से ही आप दूर रहना, अप टू 42, 43 तक। उसके बाद 45, 46 में दूर रहना, क्योंकि ये दो हेवी राहु रेखाएं आपको काट रही है। उस पीरियड में कोई ना कोई आर्थिक नुकसान या कोई ना कोई रुकावट आपके जीवन में आएगी, और बीच बीच में इसी पीरियड के अंदर आपको ऑफशूट भी मैंने शुरुआत में बता दिए, यानी जीवन में धन प्राप्ति तो होती रहेगी और जीवन अच्छा खासा आगे बढ़ता रहेगा। सेम आपकी फेट लाइन को देखें, यहाँ से शुरुआत हुई और ये सीधी चलकर, जब किसी की केतु पर्वत से शुरुआत होती है धन रेखा, तो व्यक्ति खाते पीते घर में जन्म लेता है। मैं ये नहीं कहता बहुत अमीर घर में जन्म लेता है, पर एक व्यवस्थित जीवन, उसका बेसिक चीज़ों के लिए कभी लड़ाई नहीं करनी पड़ती, यानी पूर्व जन्म में कोई ना कोई अच्छे कार्य किए रहते हैं। और ये रेखा यहाँ पर आकर एक कट लग रहा है, ये लगभग 29-28 के आसपास, 29 के आसपास एक कट लगा, एक थोड़ा सा 30 के आसपास है, एक 35 के आसपास है, और यहाँ से ये रेखा यहाँ चली और यहाँ एक और कट है। ये कट बहुत बड़ा कट है, ये इनको उम्र लगभग 42 के आसपास, 41-42 के आसपास अच्छा खासा आर्थिक नुकसान देने में सक्षम है। और उसके बाद ये सीधी रेखा चली और इस तरह से मुड़ रही है और एक रेखा कंप्लीट गुरु पर्वत की ओर जा रही है। तो ये इनके जीवन का आकलन है। आशा रखता हूँ लगभग इनके सारे प्रश्न जो इनके मन में होंगे वो सारे इनको जवाब मिल चुके होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।